हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मक्का की रोटी। वैसे तो हर जगह इसको खाया जाता है, मक्का की रोटी को, और कई लोग बनाना नहीं जानते, जिससे मैं आज दो तरह से आपको मक्का की रोटी सिखाऊंगी। बहुत सरल है इसको बनाना, आप बना सकते हैं और बनाइए, देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। देखिए, मक्का की रोटी बनाने के लिए हमको मक्का चाहिए और नमक चाहिए स्वाद अनुसार, और कुनकुना पानी चाहिए, हल्का गरम पानी चाहिए। अब हम इसको पहले इसको छान लेंगे। ये मैंने छान लिया है मक्का के आटे को। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, तवा गरम कर लेंगे और इसको अच्छे से मल लेंगे। अच्छी तरह थोड़ा कट्ठा मलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे इसमें। देखिए, इसको हथेली से ऐसे रगड़ते हुए हम बनाएंगे रोटी का। तो इसको इस तरह से हथेली से हथेली से इसको सॉफ्ट कर लेंगे बिल्कुल। पानी का हाथ लगाते जाएंगे। इसको हमें स्मूथ सा करना है आटा, तब रोटी अच्छी बनती है, पतली। और देखिए, अब हम इसकी रोटी बनाएंगे इस तरह से। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे रोटी को, फिर हम हाथ में पानी लगा के और हथेली पे भी लगाएंगे, और इस तरह से अंगूठे को प्रेस करते हुए उंगली को इस तरह से रखेंगे और दबाते जाएंगे इसको किनारे किनारे ऐसे, और ये अंगूठे को प्रेस करते जाएंगे इधर। इस तरह से रोटी बनती जाएगी। इतना बड़ा करने के बाद हथेली पे पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको दबाते जाएंगे किनार किनार भी, और बीच में से भी दबाते जाएंगे ताकि बीच में मोटा ना रहे और रोटी बढ़ती जाए। पानी लगा लगा के बढ़ाते जाएं इसको। इस तरह से बनाते जाएं, बीच में से भी दबाते जाएंगे और किनारे से भी दबाते जाएंगे ताकि कल रहे रोटी। ये देखें, अब हम इसको बना लेंगे। देखिए, बिल गई, हम रोटी बना लेते हैं। तवा गरम हो गया, थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेंगे, घी का हाथ लगा लेंगे। नॉन स्टिक के बनाए तो चिपकेगी नहीं, अगर
अगर आप लोहे के तवे पे बना रही तो थोड़ा तेल से अच्छा सा उसको कर लें चिकना, तब बनाएं। तरफ से सिक गई, अब हम इसको पलट देंगे, दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखे, ये इधर से भी हो गई। अब हम इसको गैस पे सेकेंगे, इसको जल्दी जल्दी फेरेंगे, पलटेंगे ताकि जले नहीं। हल्के हाथ से चिमटे से पकड़ पकड़ के सेकेंगे। देखिए सिक गई, और इसमें घी लगाएंगे, कैसे चिमटे से थोड़ा सा इसको कर देंगे, इसमें घी लगाएंगे। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकती हूँ, मक्खन भी डाल सकती हूँ। इसको अच्छे से घी लगाएं, तैयार है रोटी। अब हम एक चकले पे देख लेते किस तरह से बनाएं, जैसे आपसे हाथ से नहीं बनती तो हम चकले पे भी दिखाते हैं किस तरह से बनाना। इसको बड़ी लोई कर लें और थोड़ा पलेथन को हम इस तरह से चकले पे फैला लेंगे और इसको पानी का हाथ लगा लगा के बढ़ाते जाएंगे। दबाते जाएं चारों तरफ से। पतली बिल रही, आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकती हैं इसको, पॉलिथीन में डाल के, पॉलिथीन में भी अच्छी बिलती है। बन गई, और फिर इसको इसका पलेथन झाड़ देते हैं सारा। ये देखिए, मैंने एक हाथ से बनाई हुई रोटी है मक्का की, और ये एक मैंने पलेथन से बनाई हुई रोटी है। इसमें मक्खन डाल के खाओ, बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती है। और ये मैंने सब्जी बनाई है सोयाबीन की बड़ी की, और साथ में और खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं। Thank you.